आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक में बीते कुछ महीनों के अंदर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को देखते हुए जो मजहब की राजनीति है वो लगातार जारी है। जहां पहले हिजाब को लेकर के बवाल, अजान को लेकर के बवाल, मुस्लिम व्यापारियों के कारोबार को लेकर के बवाल, और अब ये मामला हत्याओं तक पहुंच गया है। बीते 10 दिनों के अंदर 3 हत्याएं हो चुकी हैं, जहां बीते 2 दिन पहले ही प्रवीण नतार, जो कि भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग का नेता था, उसकी हत्या की गई। और उसकी हत्या के बाद जो सड़कों पर तांडव मचाया गया, उसकी भी तस्वीरें लोगों के सामने आई। एक घटना घटी नहीं, दूसरी घटना सामने आ गई, जहां खासतौर पर कर्नाटक के रहने वाले फासिल को बेरहमी से चाकुओं से गोद गोद करके हत्या कर दी गई है। और इस हत्या के बाद जो तमाम तरीके की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि साहब जुम्मे की नमाज के दौरान मुसलमान जो हैं वो घरों के अंदर ही नमाज अदा करें, माहौल खराब हो सकता है, और माहौल को लेकर के इस तरीके से बताने और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सारे फसाद की जड़ जो है वहां मुसलमान हैं। पर तमाम धाराएं आज धाराशाही हो गई, खासतौर पर फाजिल के लिए। जब फाजिल का पोस्टमार्टम के बाद उनके गांव, उनके घर पर उनका शव पहुंचा, तमाम लोग फाजिल की एक झलक के लिए वहां पर लाखों हजारों की संख्या में पहुंच गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और जुम्मे की नमाज के बाद का जो वीडियो सामने आया है, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि कर्नाटक के में किस तरीके से फाजिल के लिए उसके अंतिम जो सफर था उसके लिए हजारों की तादाद में लोग वहां मौजूद हुए, और तमाम लोग इस हत्या को लेकर के गुस्से में हैं और हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आनन फानन में प्रवीण नतार के हत्यारों को तो आपने गिरफ्तार कर लिया और अभी पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं किया, पर तमाम समुदाय से जोड़ करके उन्हें दिखा दिया गया, और अब फाजिल के हत्यारे कब गिरफ्तार होंगे, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर कैद हुआ कि किस तरीके से एक शॉप के बाहर फाजिल जो है बात कर रहा था, और उसी दौरान मंकी कैप पहन करके अपना चेहरा ढक करके 4 से 5 बदमाश आते हैं, गुंडे आते हैं और ताबड़तोड़ हमला करना फाजिल के ऊपर शुरू कर देते हैं। और ऐसे समय में यह हत्या होती है जब कर्नाटक में एक हत्या को लेकर के बवाल मचा हुआ है, और बीते 10 दिन के अंदर ये तीसरी हत्या है जहां पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की कर्नाटक में धज्जियां उड़ रही हैं, और हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए तमाम तरीके से पैतरेबाजी खेली जा रही है। और फाजिल की हत्या के बाद तमाम लोगों के चेहरे पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। किस तरीके से कदम उठाने की कवायद जारी है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कर्नाटक के मंगलुरु के बाहरी इलाके सूरतकल में गुरुवार की शाम एक युवक मोहम्मद फाजिल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार को युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। गुरुवार शाम को सरेआम फाजिल की कुछ लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी। फाजिल का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उसकी अंतिम यात्रा निकल गई, जिसमें लोग नारेबाजी करते नजर आए।
मोहम्मद फाजिल अटैक में पूरी तरह से घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें कुछ लोग फाजिल पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बताया कि मंगलूर शहर के सूरतकल इलाके में फाजिल नाम के एक व्यक्ति पर हमला किया गया है। चार लोग आए हैं और एक दुकान के बाहर उस पर हमला किया गया। पुलिस ने कहा कि चार या पांच लोगों ने फाजिल पर हमला किया था। हमने सभी मुस्लिम नेताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने घरों में ही नमाज अदा करें, जिसके हर इलाके की कानून व्यवस्था बनी रहे। आपको बता दें कि इससे पहले सूलिया में बीजेपी के युवा नेता प्रवीण निटारू की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर राज्य में तनाव था, और अब एक और हत्या की घटना से लोग भी सकते में हैं। तनाव को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं इस एरिया के सभी दुकानों को 29 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 दिन में ये तीसरी हत्या है। 26 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजयुमू नेता की हत्या की गई थी। दक्षिण कन्नड़ में ही 19 जुलाई को मोहम्मद मसूद पर 8 लोगों ने हमला किया था, उनकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने एनआईए जांच की सिफारिश की है। बोमई ने शुक्रवार को कहा कि हम हत्या के मामलों में सख्त एक्शन लेंगे। अब आप इसे यूपी मॉडल कहिए या फिर कर्नाटक मॉडल, गुरुवार शाम जिस युवक की हत्या हुई उसका नाम मंगलपेटे निवासी मोहम्मद फाजिल है। पुलिस ने बताया कि सूरतकल इलाके में फाजिल की हत्या तब हुई जब वो कपड़े की दुकान के बाहर अपने परिचित से बात कर रहा था। चार लोग कार से आए, उस पर हमला किया। चारों लोगों ने चेहरे को मंकी कैप से ढका हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाजिल पुलिस का इन्फॉर्मर था। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। कृष्णापुर कुलई सूरतकल में 144 लागू कर दी गई है। मंगलूर शहर के पुलिस कमीशन ए शशि कुमार ने कहा कि सीसीटीवी में जिस व्यक्ति की पहचान की गई उसकी तलाश लगातार जारी है। प्रवीण की हत्या के बाद भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के इस्तीफे लगातार जारी हैं, जो कि भाजपा का साथ छोड़ करके जा रहे हैं। चिकमलगुर बगलकोटा के भाजपा युवा के मोर्चे पर पदाधिकारियों ने अपनी ही पार्टी के नेताओं की उदासीनता का विरोध करते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। मैसूर हसन और कोपल्ला तुमकुर और अन्य जिलों के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने गुरुवार को पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कर्नाटक में जो बीते कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले ये किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कर्नाटक को जलाने की तैयारी की जा रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।